करते हैं आपका अपने YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निकाली गई है। तो ग्रामीण अंतर्गत प्रखंड ये स्तरीय जो है गठित PMU के नियुक्ति संबंधित ये सूचनाएं निकाली गई है। तो क्या क्या पोस्ट निकाला गया है इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला जो पोस्ट है ये पोस्ट जो है लेखापाल कंप्यूटर ऑपरेटर का निकाला गया है जो कि प्रखंड स्तरीय होगी। ठीक है, इसमें अगर बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता की तो मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था से कॉमर्स विषयों में जो है आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA की 6 माह का ये आपका कार्य अनुभव रखी गई है, जिसमें से हिंदी और अंग्रेजी में आपका यहाँ पर दक्षता अनिवार्य रखा गया है। 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें इसकी यहाँ पे ₹10,000 पर मंथ यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है कि ऑनलाइन के ये जो पोर्टल दिया गया है, इस पोर्टल के थ्रू जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो यहाँ पर डेटें दी गई है वो 30/9/2022 से शुरू होगा और 5/11/2022 तक ये अप्लाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि कौन सा और पोस्ट पे निकाली गई है इसके बारे में। यहाँ पे बात करते हैं इसकी सारी, देख पा रहे हैं कि गाइडलाइंस दे दी गई है। जैसे कि बात करें कि पद का नाम जो था वो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का है जो कि प्रखंड स्तरीय चयन होगी, जिसमें अगर बात करें मानसिक तो वेतन की अगर तो मासिक वेतन जो है ₹10,000 पर मंथ रखी गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा इंटरमीडिएट यानी कि 10th 12th जो है आपका यहाँ पे संचालित संशोधन नियमावली 2021 के निर्धारित परिभाषित शैक्षिक योग्यता लागू किए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता ही दिए कि 12th जो है आपका कॉमर्स विषय में रखी गई है। अगर बात करें इसकी यहाँ पर अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की तो वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि वो जो है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि और कौन सा पोस्ट निकाला गया है इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो पोस्ट है ये जिला समन्वयक का पोस्ट है, ठीक है, जो कि तीसरा पोस्ट है। उसके बाद इसकी अगर बात करें तो संख्या जो है 24 प्रति जिला दिए जाएंगे, जिसमें से ये आपका दिया गया है कि प्रशिक्षण समन्वयक का निकाला गया है, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का निकाला गया है। ठीक है, इसकी वेतन देख सकते हैं 35,000 रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, ये जो था यहाँ पे देख पा रहे थे कि ये जिला स्तरीय था, प्रखंड स्तरीय ये आपका प्रखंड समन्वयक का निकाला गया है, जिसमें से ₹18,000 पर मंथ दिया जाएगा और कंप्यूटर सहायक सक ये आपका निकाली गई है, जिसमें से ₹10,000 पे वेतन रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें इसकी क्या क्या मान्यता यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता होगी इसके बारे में, देख पा रहे हैं जिला समन्वयक जो कि ये आपका जिला स्तरीय से दिया गया है, 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। 22 से 45 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से जो कि रूरल मैनेजमेंट यहाँ पर दिया गया है कि ये आपका रूरल मैनेजमेंट से या सोशल वर्कर से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। प्रशिक्षण समन्वयक का दिया गया है, जिसमें से 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। इसमें भी आपका यहाँ पे दिया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से रूरल मैनेजमेंट या सोशल वर्कर का जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखी गई है। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का है, जिसमें से ₹15,000 मंथ दिया जाएगा। इसमें 18 से 35 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषयों में इंटरमीडिएट, साथ ही साथ यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि DCA का यहाँ पे आपका एक अनुभव होनी चाहिए, जिसमें से 1 वर्ष का कार्य अनुभव, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में आपका यहाँ पर टंकच में आपका अनिवार्य रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो कि ये आपका प्रखंड स्तरीय है, इसमें अगर बात करें तो प्रखंड स्तर में प्रखंड समन्वयक का निकाला गया है, इसमें ₹18,000 पर मंथ दिया जाएगा। 22 से 45 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर बात करें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से रूरल मैनेजमेंट या सोशल वर्कर में ग्रेजुएशन की डिग्री, साथ ही साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव रखी गई है, या यहाँ पर दिया गया है कि अगर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उत्तीर्ण या 1 वर्ष की कार्य अनुभव है तो भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं।
लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का एक यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। 18 से 30 वर्ष की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 महीना का कार्य अनुभव, उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में दक्षता रखी गई है। बात कर लेते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे उम्र सीमा 1/1/2017 से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे न्यूनतम प्रक्रिया यहाँ पे दी गई है कि किनके द्वारा ये आपका चयन किया जाएगा और गठित की जाएगी। उपायुक्त के द्वारा अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त जो है सदस्य होंगे, उसके बाद DRDA सदस्य संयोजक होंगे, जिला सूचना पदाधिकारी सदस्य होंगे, उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ये माननीय उपायुक्त द्वारा मनोनीत पदाधिकारी सदस्य होंगे। तो ये सारी यहाँ पे सदस्य द्वारा चयनित किया जाएगा। कैसे यहाँ पे आपका यहाँ पे चयनित किया जाएगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। चयनित के लिए मेगा सूची तैयार किए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस दी गई है, यहाँ पे दी गई है कि दक्षता परीक्षा कंप्यूटर ज्ञान हेतु टेस्ट देना अनिवार्य होगा। यहाँ पे आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उससे पहले आपका परसेंटेज के आधार से आपको वहाँ पे एक लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट लेने के बाद अंतिम मेगा सूची जो है पदावार रिक्त द्वारा 2 गुना यहाँ पे नाम पैनल के रूप में रहेंगे, जिसमें से अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेंगे। ठीक है, उपरोक्त पद के लिए 1 साल के अंदर जो है होने वाले रिक्त इसी में भरे जाएंगे। फिर से जो है आपको यहाँ पे रेनुअल कर दिया जाएगा। 1 साल यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 साल के लिए पहले आपका यहाँ पे मान्य होगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 2 से 2 अधिक अभ्यर्थियों के लिए अंतिम मेगा सूची जो है यहाँ पे तैयार किया जाए, जिसमें से अगर टाई हो जाता है उस स्थिति में उम्र की वरीय की प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जिसकी उम्र ज़्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी, यदि उस उम्र जो है बराबर हो जाती है उसमें ये आपका दिया गया स्थानीयता, यानी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं उसके अनुसार से प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद सभी स्थानीयता समान तो होती है तो दशा, उसके बाद यहाँ पे ट्रॉली की माध्यम से भी यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, लॉटरी के माध्यम से यहाँ पे चयन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका इस अनुसार से यहाँ पे मार्क्स लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ये सारी यहाँ पे गाइडलाइंस दिए गए हैं कि परीक्षा जो शुल्क है वो यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये था ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस भी है। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे अप्लाई करनी है, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है। तो ये है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सारा टोटल जो है यहाँ पे निकाल दिया गया। ठीक है, आज के लिए इन्फॉर्मेशन इतना था। किसी प्रकार की कोई डाउट्स प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।